जय हिंद दोस्तों, मैं अभी जोधपुर फोर्ट, ये देखिए मेहरगढ़ फोर्ट जो पहुंच चुका हूं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए इस साइड रोड जो आती है इस साइड से, यहाँ चेकिंग वगैरह होता है और पूरा इस साइड से जो ये जो रोड जाती है पूरा वो मेहरगढ़ ये फोर्ट जाती है। देखिए उधर फोर्ट है, ये पूरा जो है यहाँ पार्किंग एरिया है, पार्किंग आप कर सकते हैं। ये तो एक तालाब है और इसमें पानी है, शायद बहुत पुरानी तालाब होगी। और ये पूरा जो है जो एक माइक्रोवेव स्टेशन है वो है, तरंग वेव स्टेशन छोड़ा था। चलिए चलते हैं फोर्ट है, और आपको दिखाएंगे हम फोर्ट किला का, जो मेहरगढ़ किला है इसकी खासियत अलग है और ये बनावट भी अलग है, सभी किलों से अलग है। ये देखिए पूरा वहाँ जो है आपको दिखाई देगा उस साइड से, ये पूरा टिकट यहाँ कितना लग रहा है मेरे को नहीं पता। ये देखिए इधर पूरा पार्किंग एरिया है, यहाँ पूरा पार्किंग एरिया है, पार्क गाड़ी वगैरह पार्क साइकिल उधर खड़ी कर दिया था। और ऊपर से देखेंगे तो पूरा आपको जोधपुर दिखाई देगा यहाँ, और मैं थोड़ा सा किनारे से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए ये जो उस साइड से जो पूरा ये पहाड़ है, पूरा उधर माउंटेन है, पूरा दिखाई दे रहा है आपको। ऊपर जाएंगे तो और दिखाई देगा। अभी फ्री वाला जो है टिकट है उधर है, नीचे ही जाते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। ये देखिए इस किले का थोड़ा सा खासियत अलग है, क्योंकि ये किला हर किलों से अलग है चारों तरफ से। ये देखिए वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो जोधपुर सिटी है, वहाँ जोधपुर सिटी है वहाँ पूरा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, हम संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं साइकिल से, और अभी हम बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं मेहरानगढ़ किला। मेहरानगढ़ किला जो जिसको हम जोधपुर के किले के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम मेहरान किले के रूप से भी जानते हैं, मेहरगढ़ किला जिसको बोलते हैं, तो इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। 1459 है ईस्वी में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनाया गया था। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट ऊंची पहाड़ी चोटी पर स्थित है। मेहरगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही और आलीशान है। जी हाँ दोस्तों, तो किले में 7 द्वार हैं, जिनमें से विक्ट्री गेट है और फतेह गेट है, भैरव गेट है, डेढ़ कमागरा गेट है, फतेह गेट, मल्टी गेट और लोहा गेट के नाम से शामिल है। तो मेहरगढ़ किले का इतिहास जो है आपको हम बताते हैं कि इसका इतिहास क्या है, इस किले का इतिहास, मेहरगढ़ जो किला है उसका इतिहास क्या कह रहा है। तो जो मेहरगढ़ किला यानी जोधपुर का किला जो है, इतिहास काफ़ी दिलचस्प है दोस्तों, जो हमें उस समय वापस ले जाता है जब 15वीं शताब्दी में के दौरान राजा राठौर साहब जो राव जोधा थे, उन्होंने 1569 में जोधपुर की स्थापना की थी। राजा जो जोधपुर की स्थापना 1569 में की थी, राजा राममल के पुत्र जो थे राव जोधा, शहर को मंडौर से जो किला है मंडौर से, मेहरगढ़ किले की जो मंडौर से है, राजा जोधपुर शहर को मंडौर से शासित किया था, मतलब शासन किए थे, लेकिन फिर उसने अपनी राजधानी को जोधपुर स्थानांतरित कर दिया। पहले मंडौर से शासित किया, लेकिन फिर उसे अपने राजधानी को जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया, यानी वहाँ से वहाँ जोधपुर राजधानी बना दिया। इसके बाद उन्होंने भवचेरिया पहाड़ी पर, जो किला है मेहरगढ़ का, भवचेरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी, जिसकी दूरी मंडौर से सिर्फ 9 किलोमीटर थी। मेहरान का अर्थ है सूर्य। मेहरान जो मेहरगढ़ किले को मेहरान के नाम से भी जाना जाता है, मेहरान का अर्थ है सूर्य है, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम से इस किले को मेहरानगढ़ किले के रूप में नामित किया, नाम रखा। इस किले के मुख्य निर्माण के बाद जोधपुर के अन्य शासकों
जैसे मालदेव महाराजा, अजीत सिंह महाराजा, ताकत सिंह और महाराजा हनवंत सिंह द्वारा इस किले में अन्य निर्माण किए गए। मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माण के समय एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी। एक व्यक्ति को वहां बलि अपनी इच्छा के अनुसार बलि चाहे मतलब दिया जाना था, यानी वहां जो किले का निर्माण दुर्ग का हो रहा था तो एक समय जो राजा था और वो मतलब कोई शक्ति रहा होगा तो वह शक्ति के द्वारा उनको सपना दिया गया कि एक व्यक्ति की स्वैच्छिक बलि चाहिए थी, जिसके लिए राजा राममल मेघवाल ने स्वैच्छिक बलि दी थी। मेहरगढ़ किले की वस्तु जो 500 साल की अवधि में मेहरगढ़ किले और महलों को जो बनाया गया था, किले की वस्तुकला में आप 20वीं शताब्दी की वस्तुकला की विशेषताओं के साथ ही 5वीं शताब्दी की बुनियादी वस्तुकला शैली को भी देख सकते हैं। मेहरगढ़ किले में यानी 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवारें हैं। बहुत ही इसका यानी चौड़ी जो किले में बुनियादी है वह 68 फीट है और उसकी जो चौड़ाई है और 117 फीट लंबी दीवारें बनाई गई हैं। मेहरानगढ़ किले में 7 द्वार हैं, जिनमें से जयपोली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। 7 जो द्वार हैं बनाए गए हैं, 7 द्वार जिनमें से जयपोली सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और आकर्षक है। किले की वास्तुकला 500 वर्षों की अवधि के विकास से गुजरी है। 500 वर्षों की अवधि के विकास से गुजरी है जो वास्तुकला है उसका। महाराजा जो अजीत सिंह के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिजाइन में किया गया है। इस किले में पर्यटकों को आकर्षित कर देने वाले 7 द्वारों में के अलावा 7 द्वारों के अलावा मोती महल, जिसको पर्ल पैलेस भी कहा जाता है, मोती महल, फूल महल जिसको फूल महल भी कहते हैं, दौलत खाना, शीश महल यानी दर्पण पैलेस और सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली बनाया गया था। तो जो किला का है वो 500 सालों से उसको बनाया गया है और जो शीश महल भी है, पहुन फूल महल का निर्माण भी, यह किला सबसे संरक्षित है, बेहद आकर्षक है। और शीश महल के बाद जो दर्पण के टुकड़ों को फिर जटिल डिजाइन के हिसाब से पर्यटकों के आकर्षक का मुख्य केंद्र है। मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो मोती महल है, और सुरेश खान जैसे कई शानदार शैली में बने कमरे हैं। और मोती महल का निर्माण राजा सूर सिंह द्वारा बनवाया गया था। शीश महल या हाल ऑफ मिरर्स बेहद आकर्षक है, जो अपनी दर्पण के टुकड़ों पर जटिल डिजाइन के वजह से पर्यटकों का आकर्षक का मुख्य केंद्र है। फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। तो मेहरगढ़ फोर्ट की जो विशेषताएं हैं वो आप जान लीजिए। तो मेहरगढ़ किला राजस्थान के सबसे बड़े संरक्षित और सबसे प्रभावशाली इमारतों में से एक है, यह किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है और यह लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मेहरानगढ़ किला को ही हम जोधपुर किला या मेहरगढ़ किला के नाम से भी जानते हैं। तो यह किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है, बहुत लंबी चट्टान पर, पहाड़ी पर बनाया गया है और लगभग 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर यह बनाया गया है। किले निर्माण के लिए जो राव जोधा को एक ऋषि जो चिरिया नाथ जी को जबरदस्ती इस जगह से हटाया गया था। जो किले का निर्माण है, निर्माण के लिए जो राव जोधा को एक ऋषि चिरिया नाथ जी को जबरदस्ती इस जगह से हटाया, वहाँ एक ऋषि रहता था पहले, उसे जो चट्टान है, चट्टान के चारों तरफ पहाड़ी इलाकों में एक ऋषि जो चिरिया नाथ जी, उसका नाम था ऋषि का, वहाँ रहता था। तो राजा ने जो राव जोधा था राजा
उस स्थान से जबरदस्ती हटाया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को श्राप दिया था कि इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। जो किला बनाया है मेहरानगढ़ किला जो बना है जोधपुर में मेहरगढ़ किला, तो राजा एक पहाड़ी में जब बनवाने जा रहा था तो एक ऋषि रहता था, ऋषि का नाम था ऋषि चिरियानाथ जी। तो उसने ज़बरदस्ती राजा उन्हें उसको हटा दिया, तो उसने श्राप दिया कि इस किले में पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में राव जोधा ने मंदिर के लिए एक मंदिर और एक घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न किया। बाद में उनके लिए जो ऋषि चिरिया था नाथ जी, उसके लिए एक मंदिर और एक घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। जब आप इस किले को देखने के लिए जाएंगे तो इसके द्वार के सामने आप कुछ लोग नृत्य करते नज़र आएंगे। जब आप इस किले को देखने के लिए जाएंगे तो इसके मुख्य द्वार के सामने आपको कुछ लोक नृत्य करते नज़र आएंगे। तो लोक नृत्य करते नज़र आएंगे और कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को किले में शूट किया गया है, जिसमें फिल्म द डार्क नाइट राइजेस, द लायन किंग और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शामिल है। मेहरानगढ़ किले का दौरा करने का सबसे अच्छा समय आपको यह जानने के लिए आवश्यक है कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम बहुत ही बेहतरीन होता है। अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा और सुखद रहता है। इस मौसम में आप पूरे किले को एक्सप्लोर कर सकते हैं। किला घूमने के लिए आप सर्दियों के मौसम में सुबह का समय जाएं। यह किला सुबह 9 बजे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। आप 2 या 3 घंटे एक किले में बिताने के बाद वहाँ के पास के पर्यटक स्थलों पर जा सकते हैं। जोधपुर में स्थानीय भोजन और आपको रुकने के लिए वहाँ जो भोजनालय हैं, होटल हैं, तो जोधपुर एक ऐसा शहर है जहाँ के व्यंजन मिर्च मसाले से भरपूर होते हैं। यानी वहाँ का जो बना होता है, आपको कोई भी व्यंजन बनेगा तो मिर्च मसाले से वहाँ भरपूर रहता है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड और मिठाइयाँ उपलब्ध होता है। यहाँ पर आप मिर्चें बड़ा, मावा कचौरी और प्याज कचौरी जैसे कुछ स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के मखनिया लपसी भी काफ़ी लोकप्रिय है। जो मखनिया लपसी माखन के साथ लपसी बनाया जाता है वो काफ़ी लोकप्रिय है। अगर आप इस शहर में कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो यहाँ मिलने वाले भोग बेसन की चक्की, मावे की कचौरी, मोती चूर के लड्डू और माखन वड़े का मज़ा भी ले सकते हैं। मेहरानगढ़ किले के आसपास भी पर्यटन स्थल है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। जैसे फोर्ट आए, मेहरगढ़ किला आए, तो वहाँ के आसपास जैसे राव जोधा डेजर्ट रॉक जो पार्क है वहाँ जा सकते हैं। राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क किले के पास ही स्थित है, जो प्रकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग का समान है। यह पार्क 72 हेक्टेयर में क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ से रेगिस्तान और सूक्ष्म वनस्पति पाई जाती हैं। इस पार्क में पर्यटक गदगद के साथ 800 से 1100 मीटर लंबे रोमांचक रास्ते जा सकते हैं, जहां पर कुछ अनोखे पौधे को देखा जा सकता है। और दूसरा होता है चौकैलो गार्डन मेहरानगढ़ किले के ठीक नीचे स्थित है, जिसे आपको अपनी किले की यात्रा में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यह गार्डन जो है बगीचा है 18वीं शताब्दी का है, जिसके बाद इसका पुनः जीर्णोद्धार किया गया है। इस गार्डन में एक रेस्टोरेंट भी है, जहां से आप मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। तीसरा नांगड़ेचड़ी मंदिर किले के बिल्कुल दाईं ओर स्थित है, जिसका निर्माण भी 14वीं शताब्दी में किया गया था, जब राव धूहड़ ने मूर्ति को मारवाड़ में लाया था, जिसको बाद में किले में स्थापित कर दिया गया था। चमुंडा माता जी का भी मंदिर है,
जब राव जोधा अपनी राजधानी को मंडोर से जोधपुर स्थानांतरित किए, मतलब मंडोर पहले राव जोधा जी का राजधानी था, वहाँ से जोधपुर मेहरगढ़ किले स्थानांतरित किए, तब वह अपने साथ दुर्गा माता की मूर्ति भी ले आए थे। इस मूर्ति को मेहरानगढ़ किले में स्थापित किया गया था, जिसे आज चामुंडा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह के वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।